अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा हसन हियर। आज आपका बायोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है मेरे साथ ऑन द डेट 21 अप्रैल 2020। अच्छा जी, अब हमने देखते हैं हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था। हम लिपिड्स के ऊपर थे और लिपिड्स हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक, हम उसी टॉपिक को फर्दर आप कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको इसमें भी बता दूँ कि आपने वीकली आपका टेस्ट होगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा वो मैं डिसाइड करूँगी सैटरडे को या मंडे को आपका टेस्ट होगा। और उसके अलावा ये कि उसमें इस तरह से होगा कि आपका टेस्ट जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर बना के दूंगी, ठीक है। फिर आपने खुद ऑनेस्टली अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जो जितना ऑनेस्ट है, जो जितनी तैयारी करना चाहता है अपने एग्ज़ाम की, वो ज़ाहिर है खुद ऑनेस्टली टेस्ट देगा विदाउट एनी चीटिंग, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि मैं आंसर की बना के ग्रुप में दूँगी, फिर आप खुद अपना टेस्ट चेक करेंगे, मार्क्स देंगे एवेल्यूएट करके, और फिर वो आपके मार्क्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। यही मुझे गाइड किया मैम अजवा ने कि इस तरह से आपका टेस्ट लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको स्लाइड्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, इसलिए आपने जैसे जैसे लेक्चर आपने सुनना है वैसे वैसे आपने अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है, और वहीं से आपने प्रिपरेशन करनी है जी। तो हम लिपिड्स के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। इसमें आ जाते हैं सिंपल लिपिड्स, फैट्स एंड वैक्सेस, कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स एंड लिपिड एसोसिएटिंग सब्सटेंसेस। ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फैटी अल्कोहल्स क्या होते हैं। इसमें एक तो आ जाता है ग्लिसरॉल, ये तो लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्कोहल है ये, ओ एल से आपको पता चल रहा है, जिसके जिस भी मॉलिक्यूल के एंड पे लिखा होता है ना ओ एल जिसके नेम में, उसका मतलब होता है ये एक अल्कोहल है, ठीक है, फैटी अल्कोहल्स। अब ग्लिसरॉल जो है ये बिल्कुल मेन पार्ट है लिपिड्स का, इसलिए इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। इट इज़ अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रिक का मतलब जो होता है इसका मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितना है, यानी कंटेनिंग 3 OH ग्रुप्स, ट्राईहाइड्रिक, एंड हैज़ द पॉपुलर नेम ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन आप सबको पता होगा, घर में जब किसी के, ये बिल्कुल मतलब फेमस टोटका होता है मदर्स का, कि मुँह में किसी के छाले हो जाते हैं तो वो ग्लिसरीन मंगवाते हैं, और वो मुँह कहते हैं मुँह में थोड़ी देर डाल के रखें, मुँह में गर्म गर्म लगती है, लेकिन ये कि आपके वो छाले वगैरह ठीक कर देती है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म करती है। इट इज़ सेंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज, आपकी बॉडी में खुद बॉडी खुद सेंथेसाइज करती है किस से, ग्लूकोज से, ठीक है। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कलरलेस, विस्कस, ऑयली लिक्विड विथ स्वीट टेस्ट, ठीक है। कलरलेस है ये, ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस होता है थोड़ा सा थिक होता है, ऑयली सा एक लिक्विड है, विथ स्वीट टेस्ट मीठा होता है। ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड और KHSO4 जो है ये पोटेशियम बायोसल्फेट है, ठीक है। जब हम ग्लिसरॉल को हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या सोडियम पोटेशियम बायोसल्फेट के साथ, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और क्या बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एक्रोलीन, ठीक है। और इसका बहुत इसका बैड ऑर्डर है, यानी बैड स्मेल है इसकी। दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्री ग्लिसरॉल और एनी कंपाउंड कंटेनिंग ग्लिसरॉल, ठीक है। ये जो है रिएक्शन किया जाता ताकि आपको पता चले कि जो भी कंपाउंड हमने लिया है उसके अंदर ग्लिसरॉल है या नहीं। जब आपने डिटेक्ट करना हो कि इस कंपाउंड के अंदर ग्लिसरॉल है या नहीं, तो आप ये रिएक्शन इसको करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड या इसके साथ, तो फिर आपको एज अ रिजल्ट एक्रोलीन मिलेगा। या आप देख सकते हैं ये ग्लिसरॉल है, इसको हमने हीट किया तो वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। हीट के अंदर प्रेजेंट है पोटेशियम बायोसल्फेट और एक्रोलीन बन गया इसके रिजल्ट में। इसका बैड ऑर्डर होगा तो आपको खुद ही स्मेल आएगी तो पता चल जाएगा एक्रोलीन बन गया, ठीक है। फिर फैटी अल्कोहल्स में नेक्स्ट आ जाता है स्पिंगोसिन, ठीक है। ये भी अल्कोहल है और ये मोनोहाइड्रिक है, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास, प्रेजेंट इन स्पिंगोलिपिड्स। स्पिंगोलिपिड्स लिपिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर पाया जाता है ये अल्कोहल। इट इज़ सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम सीरीन एंड पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। सीरीन और पाल्मिटिक एसिड से मिलकर बनता है ये, और इट इज़ नॉट पॉजिटिव विद एक्रोलीन टेस्ट, यानी अगर आप स्पिंगोलिपिड्स के ऊपर टेस्ट करेंगे एक्रोलीन टेस्ट जो हमने पीछे किया है, तो वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, यानी कि एक्रोलीन नहीं बनेगा इसके रिजल्ट में। ये इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं सिंपल लिपिड्स की तरफ। सिंपल लिपिड्स को हम न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं, ठीक है, एंड ऑयल, न्यूट्रल फैट्स एंड ऑयल्स, और इन्हीं को हम ट्राई ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है दे आर कॉल्ड न्यूट्रल बिकॉज दे आर अनचार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इनको न्यूट्रल कहते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप्स इन इट, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होता जो आयनाइज हो, जिसके ऊपर चार्ज हो, इसलिए ना हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, ठीक है, या न्यूट्रल फैट्स एंड ऑयल्स।
न्यूट्रल फैट्स आर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन नेचर, यानी नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा किस्म के पाए जाने वाले लिपिड कौन सा है, सिंपल लिपिड या न्यूट्रल लिपिड। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 98% ऑफ द लिपिड्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आप सबको पता है कि स्किन के नीचे होता है एडिपोज टिश्यू, जहाँ पर जाके फैट स्टोर होता है। तो उसके अंदर कह रहा है कि उस सारे फैट के अंदर में से 98% जो है वो सिंपल लिपिड्स होते हैं या न्यूट्रल फैट होता है। और 30% ऑफ द प्लाज्मा ऑफ द लिवर लिपिड्स, यानी लिवर में जो लिपिड्स हैं और प्लाज्मा में जो लिपिड्स हैं उसमें से 30% लिपिड्स जो हैं वो न्यूट्रल लिपिड्स हैं। फिर लेस देन 10% ऑफ एरिथ्रोसाइट लिपिड, एरिथ्रोसाइट आप सबको पता है रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं उसमें 10% से कम होता है ये वाला लिपिड, न्यूट्रल फैट न्यूट्रल लिपिड। अच्छा जी, ये होते क्या हैं सिंपल लिपिड्स? दे आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद वेरियस फैटी एसिड्स, यानी ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड के साथ मिलता है। ये हम रिएक्शन हमने क्लास में किया भी था, हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर लिखा था, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो हैं ये मिलते हैं और उनके आपस में बनता है ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। सिंस द 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑफ ग्लिसरॉल आर एस्टरिफाइड विद न्यूट्रल फैट्स आर आल्सो कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड्स। अब वो ये कह रहा है कि जब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो हैं वो एस्टरिफाइड होते हैं, यानी जो 3 के 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे उन तीनों का बॉन्ड बन जाता है, तो उसे हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसलिए न्यूट्रल फैट्स जो हैं क्या कहलाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड गिव्स मोनोग्लिसराइड, यानी अगर एक मॉलिक्यूल मिलेगा फैटी एसिड का विद 1 ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में आपको पता है कितने हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ग्लिसरॉल के अंदर, फिर जब एक फैटी एसिड मिलेगा तो वो बनाएगा मोनोग्लिसराइड, जब 2 फैटी एसिड्स मिलेंगे तो बनाएंगे डाइग्लिसराइड्स, इसी तरह से जब 3 फैटी एसिड मिलेंगे तो बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल फैट्स। ये रिएक्शन जो मैंने आपको वाइट बोर्ड पर लिखवाया था, ये फैटी एसिड है, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ मिलता है, वाटर रिमूव हो जाता है और ये ट्राइग्लिसराइड या आप इसे फैट कह लें लिपिड कह लें ये बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फैट्स और ऑयल्स की। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फैट्स एंड ऑयल्स आर कलरलेस, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर की बात इसलिए की गई है कि जो पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐडअप हो जाता है हवा से या किसी भी उनके इन्वायरमेंट से। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, कोई कलर नहीं होता और टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता। एनी कलर और टेस्ट इज ड्यू टू एसोसिएशन विद अदर फॉरेन सब्सटेंस, यानी अगर कोई कलर आ गया या टेस्ट आ गया इसका मतलब है उसके अंदर कुछ और चीज़ ऐड हो गई है, कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड हो गया। द येलो कलर ऑफ द बॉडी फैट और द मिल्क फैट इज ड्यू टू द कैरोटीन पिगमेंट्स, काउ मिल्क, यानी काउ मिल्क जो है वो येलो होता है क्यों, इस कैरोटीन पिगमेंट्स की वजह से। फैट्स आर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1, आप सबको पता है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1 होती है, तो फैट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है इसलिए ये ऊपर फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, सो दे फ्लोट ऑन वाटर। आप पानी को और ऑयल को मिक्स करके देखें तो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एज ईदर एंड बेंजीन, ये सबको पता है कि फैट्स जो पानी में हल नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द फैट्स आर यूजली लो बट हायर देन द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, ठीक है, यूजली लो, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है किससे, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट से, यानी जितना टेम्परेचर डिफरेंस जो लगता है उनको सॉलिडिफाई होने में उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उनको मेल्ट होने में, ठीक है। चलो जी, आज का लेक्चर आपका यहीं पर एंड होगा, अच्छे से तैयार करें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और अपने टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि जो आपको पढ़ाया है वीकली उसका आपका टेस्ट हुआ करेगा इंशाल्लाह। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।